उन्हीं बच्चों ने उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर चैप्टर वाइज एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराएं हमारी कुछ स्टूडेंट्स नीडी भी थे जिन्होंने कहा तो चलिए मैं आप लोगों के लिए ले आया भाई अब इसको जम के तैयारी करना और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे शायद और जो नहीं जानते उनके लिए सो लेट मी इंट्रोड्यूस माइ सेल्फ दिस इज़ एम ओमेर सिद्दीकी सर का इजाफा कर दोगे तो इट्स ए ऑनर फॉर मी माई क्वालिफिकेशन इज बी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग बैचलर इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनडी यू टी नादिर एडलजी डिंगशॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सो यह था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और मैं जो है ई कैट एमकेट शुरू करने वाला हूँ सो ई केट एमकेट के हवाले से मैं बता दूं कि भाई इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी जितनी भी है अपने सिंध में क्यों क्योंकि मैं मेरे जो कोर्स आउटलाइन है वो सिंध टेक्सट बुक का है तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हो कि वो एंटीट आसानी से पास कर सकते हो आप सो so, चाहे वो एन यूनिवर्सिटी हो दाऊद हो सर सरसैद हो डाउ यूनिवर्सिटी हो के हो कराची यूनिवर्सिटी हो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग आई होप कि आप लोग पूरे पूरे नंबर ले लोगे इसमें ठीक है सो तीन से चार दिन वीक में मैं अपलोड करूंगा और इसको बिल्कुल अपना क्लास रूम की तरह लेना बिल्कुल जैसे लेक्चर किसी एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर में लेते तो हैं इसका रीजन क्या है क्योंकि देखो मैं थोड़ी सी एडवाइस कर दूं तुम्हें देखो ये बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट वाकई सिंसियर हैं ठीक है और उनकी अच्छी परसेंटेजेस आ जाती हैं अब वो किसी एक दो नंबर से अगर टेस्ट में रह जाए तो उनका पूरा जो कैरियर है वो खराब हो जाता है ठीक है वो काफी स्टूडेंट डिसहार्ड हो जाते हैं तो इसकी वजह से मैंने कोशिश की कि अपलोड कर दूं तो जिन स्टूडेंट्स का जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फोर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव फोर्टी थाउजेंड है इसका ई कैट का सो so, मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या उससे बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जरूर दूं ठीक है सो so, बेसिकली हम तकरीबन 2000 से 2500 के करीब एम हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट एम सो उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी तो देखो स्किप नहीं करना जो लोग बोलते हैं कि ई करने की जरूरत नहीं है बस रिवाइज कर लो तो बेटा ऐसा नहीं है ईकेट e करना पड़ता है एम केट करना पड़ता है खासतौर तौर तो पर वो स्टूडेंट जिनकी थोड़ी परसेंटेजेस कम है वो ई केट एम केड जरूर करें क्योंकि मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज के अब क्राइटेरिया ये हो गया कि फिफ्टी परसेंट टेस्ट और फिफ्टी परसेंट आपका इंटरमीडिएट ठीक है तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर वन सो फर्स्ट ईयर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और बहुत तेजी से चलेंगे और खास खास चीजें पढ़ेंगे और आ, थर्टी मिनट्स इसको देना अगर मैं कोशिश करूंगा थर्टी मिनट्स से ज्यादा लेक्चर ना जाए कम हो जाए तो बच्चा बोर हो जाता है या अगर बोर हो रहे हो तो उठ के कोई भी काम करके आ जाना यार मूवी देख लेना आंटी का दरवाजा बजा कर आ जाना ठीक है सो लेक्चर नंबर वन तो जब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए वॉट इज फिजिक्स तीन साल से लगातार पढ़ रहे हैं फिजिक्स मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सो फिजिक्स क्या होती है सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ दो चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ दो चीजें वो दो चीजें कौन कौन सी हैं देखो भाई वो दो चीजें हैं आपके पास पहली चीज है मैटर हर बच्चे को पता है अब तुम बोलोगे सर क्या बता रहे हैं आप ये तो हमें पता है तो बेटा पता है तो ई के जो बुनियादी मकसद है कि बच्चे का दिमाग खोलना उसको पता होता है लेकिन एग्जाम में गलती करके आता है सो इसको गौर से सुनना है तुम्हें जो भी चीज पता भी है ना उसको भी सुनो ठीक है सो मैटर मैटर का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज जो मास रखती हो और ऑक्यूपाई इन स्पेस तो ये मैटर होगी तो अपने पास जो भी आसपास नजर आ रहा है सब मैटर है जो अपना मोबाइल है वो भी मैटर है अच्छा एनर्जी एनर्जी अपने बैटरी में मोबाइल की ठीक है और दूसरी हो गई एनर्जी एनर्जी में क्या क्या आता है भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी हीट एनर्जी एक्सेट्रा ठीक है तो ये तमाम एनर्जीज आती हैं अब वो कहता है कि भाई मैटर और एनर्जी ये आपस में एक दूसरे के साथ चलेंगे क्यों क्योंकि नेक्स्ट पार्ट कहता है डेफिनेशन का एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम भी बोलता है दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वो भी मैटर की बात करता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में फर्क ये है कि वो एनर्जी का और मैटर के आपस में रिलेशन की बात करता है या सिंपल लफ्ज में बोलूं कि वो मोशन की बात करता है कैसे देखो सबसे इजी एग्जाम्पल यह है कि आप में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के सर पर एक पंखा होगा फैन होगा ठीक है वो अभी ऐसे स्टेशनरी uh, मान लो कि अभी स्टेशनरी स्टेट में है तो अभी देखो ये पंखा है इसका क्या है मास है कोई मैटर है ना तो इसका कोई मास होगा मान लो कि तुम्हारे पास लोड शेडिंग है और लाइट uh, नहीं है लाइट नहीं है तो ये पंखा किसी काम का नहीं यूजलेस है ठीक है अब मान लो कि तुम्हारे पास लाइट आती है लेकिन पंखा नहीं है तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बट यूजलेस है और अगर दोनों चीजों तुम्हारे तो पास एक वक्त में आ जाए तो अपने पास मोशन जनरेट होगा मैटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों मिलाकर जिसमें और इसको हम एनर्जिया का फिनोमेना कहते हैं वो अलग चीज है सो बेसिकली मैटर और एनर्जी इनका आपस में रिलेशन जब होता है तो हम फिजिक्स का सहारा लेते हैं और फिर हम नेचर को डिस्कस करते हैं और दुनिया जान की चीजें ठीक है थीके? तो ये बताना था आप लोगों को तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैटर लिख कर आ जाते हैं एनर्जी एक ऑप्शन ए और बी का भी होता है बास टाइम इंट्रेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर ये भी ऑप्शन होता है तो मेरा बच्चा ये भी गलती करके आता है ऐसे भी लोग हैं बेटा इस दुनिया में ठीक है सो so, आगे बढ़ते हैं ना चैप्टर नंबर वन द स्कोप ऑफ फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी जल्दी लेके चलेंगे परेशान नहीं होना तफरी भी करेंगे लेकिन गौर से सुनना ठीक है ऐसे नहीं है स्किप कर दिया सर अब ये चीज रह गई बेटा वहां पे प्रॉब्लम होगी मैंने तमाम वो चीजें इकट्ठी की हैं जो पेपर में आ सकती हैं ठीक है नाउ जब इसको वो फिजिक्स में सबसे पहली चीज पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल क्वांटिटीज नाउ फिजिकल क्वांटिटीज की बात आए तो वो नहीं लिख देना स्केलर वैक्टर ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज में बताता हूं क्या है देखो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स की है पढ़ी हमने दो है तो बेटा अगर आप नस्ट का या फास्ट का देते हो तो कुछ फेडरल बोर्ड भी आता है उसमें तो वहां पर तीन पढ़ाई गई है तो देख लो क्या होती है तीन भाई देखो पहली दो तो हम सब बच्चे को पता है बहुत अच्छे से क्या होती है वो देखो पहली होती है अपने पास बेस जिसको हमने सुना सुना है फंडामेंटल हम उसको क्या बोलते हैं फंडा फंडामेंटल पहली पहली वीडियो है राइटिंग थोड़ी खराब होगी बर्दाश्त करो सो so, पहली हो गई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी सेकेंड है हमारे पास ड्राइव्ड क्या है बेटा ड्राइव ड्राइव्ड क्या जो बेस से ड्राइव हुई हो बेस को इस्तेमाल करके बनाई गई हो वो ड्राइव हो जाती है क्वांटिटी जबकि थर्ड जो हमने नहीं पढ़ी वो है सप्लीमेंट्री क्या है सप्लीमेंट्री अब सप्लीमेंट्री में बेटा फर्दर दो आती हैं कौन कौन सी होती हैं भाई बता देता हूं मैं देखो सप्लीमेंट्री में होती हैं दो कौन कौन सी पहली होती है प्लेन एंगल और दूसरी होती है सॉलिड एंगल एक होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है रेडियन जबकि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है स्टेर रेडियन स्टेर रेडियन ठीक है तो ये तो अपने पास पढ़ने वाली चीज थी नहीं ठीक है तो सिन बोर्ड का जहां जहां टेस्ट के आउटलाइन होगी तो वहां पर यह चीज नहीं आएगी ठीक है तो अब ये दो चीजें रह जाती है सप्लीमेंट्री का मैंने आपको बता दिया है लिख लो अपने पास नोट्स बना लो ना अब ड्राइव पे आते हैं तो देखो जहां ड्राइव की बात आती है तो देखो ये जो बेसिक है ना अपने पास ये जो बेसिक है ये बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ये बेटा हमारे पास सेवन किस्म की होती हैं सेवन टाइप्स आगे पढ़ेंगे हम जबकि ड्राइव जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं जितनी भी ड्राइव कर लो इनको मिलाकर मीटर मीटर को इस्तेमाल करके एम्पेयर को इस्तेमाल करके जितनी बना लो तो इसको हम आमतौर पर कहते हैं कैसी होती है ये इनफाइनाइट क्योंकि इसकी बहुत सारी बन सकती है गिनती नहीं है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ बेस कौन कौन सी हमारे पास सो बेस क्वांटिटीज क्या जो हमारी बेसिक हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और जो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे उसको हम बोलेंगे बेस यूनिट्स क्या बोलेंगे बेस यूनिट्स तो ये कितने किस्म के होते हैं हमारे पास सेवन सेवन टाइप्स नंबर टाइम, टाइम और सेकेंड ठीक है सेकेंड इज लेंथ जिसका यूनिट है मीटर, थर्ड मास, किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर या सिंपली आप एबसोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हो इसका यूनिट क्या होता है बेस यूनिट कैलविन जबकि सिक्स है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अब यहां पे देखो तो मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक जैसा लगता है नहीं बेटा जब केमिकल फॉर्मूले uh, की बात हो रही होती है तो किसी कंपाउंड में uh, कितना मास उसके मोलिकुलर वेट के हिसाब से तो उसको हम मोल कहते हैं ना कि भाई कितना मोल है जब रिएक्शन में बात हो रही होती है तो वो मोल अलग है और ये किलोग्राम uh, अलग है ठीक है तो ये भी हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है जबकि सेवेंथ हमारा लास्ट वन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डबल टिक लगा दिया मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये बहुत पूछा जाता है इसका यूनिट याद कर लो कैंडेला या फिर सी लिखा होगा ठीक है सीडी तो ये अपने पास हो गया कैंडेला तो इनको कॉपी कर लो या, स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लो मर्जी है यार आगे बढ़ते हैं. Now, आता कैसे सवाल कि आर बेसिक क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट सिस्टम ऐसा यूनिट सिस्टम मैं बाद में बता दूंगा बोलता बेसिक क्वांटिटीज कितनी है तभी मैंने आपको बताया कितनी है मुझे जल्दी से जवाब बताओ सेवन ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेवन अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एस आई बेस यूनिट बेटा ऐसा यूनिट हम सबको पता है बच्चा इसमें गलती क्या करता है बच्चा बोलता है ग्राम ऐसा है नहीं है स्लग ऐसा है नहीं है किलोग्राम ऐसा ही है न्यूटन ऐसा ही है क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा फोर्स का ऐसा SI यूनिट न्यूटन लेकिन उसने क्या बोला देखो न्यूटन जो है ना वो एक ड्राइव्ड यूनिट है कैसे है वो आगे जाके बताऊंगा एस आई बेस यूनिट यहाँ पे सेकेंड थिंग वो नहीं पढ़ता उसने ऐसा ही पढ़ा और लिखकर आ गया न्यूटन बेटा ये आंसर रॉन्ग है आंसर करेक्ट क्या है हमारे पास किलोग्राम ठीक है तो याद रखना ऐसा SI बेस यूनिट किलोग्राम है हमने पीछे पढ़ा था ना देखो पीछे जाते हैं हमने पीछे पढ़ा था मास का एस आई बेस यूनिट क्या है किलोग्राम तो चलो आगे बढ़ते हैं मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल लाइट इन वैक्यूम इज अब वो कह रहा है कि भाई मीटर को आप क्या बोलते हो ये अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता और वो गलत करके आ जाता है बहुत आसान सी चीज है हालांकि लेकिन हमारे कोर्स में पढ़ाई नहीं गई देखो इसका क्या चक्कर है मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल लगाओ पहले तो एक सेकेंड या मीटर मीटर क्या है? अगर में किसी चीज को बोलता हूं तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करूं वैक्यूम में तो देखो मैं समझाता हूं तुम्हें अगर इस फिगर को गौर से देखो इस वाली फिगर को ठीक है तो ये फिगर कुछ ऐसी है देखो यहां से पॉइंट उठा यहां गया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ आठ हो गया तो ये बना टू पॉइंट नाइन नाइन एट देखो ऐसा कुछ देखा है हमने हम बोलते थे ना थ्री एक्सपोनेंट एट ये किसका होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं हम इसको बोलते हैं सो so, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से भागो तो बोलता है एक मीटर कब होगा तो मीटर को जब हमने कैटेगराइज किया तो हमने इस बेसिस पे किया कि यार अगर मान लो एस इक्वल टू वी टी लगाते हैं ना तो अभी हमें अगर एक मीटर चाहिए डिस्टेंस एक मीटर चाहिए तो हमें क्या करना होगा देखो विलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है थ्री एक्सपोनेंट एट टाइम की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखू कि मेरे पास वन मीटर आ जाए देखो अगर मैं वन अपॉन थ्री एक्सपोनेंट एट रखता हूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और वन इक्वल टू वन हो जाएगा सो वन मीटर वन मीटर के बराबर हो जाएगा और देखो यूनिट भी कैंसिल हो रहे हैं कैसे कैंसिल हो रहे हैं कि विलोसिटी विलॉसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड जबकि टाइम का यूनिट सेकेंड सेकेंड से सेकेंड कैंसिल विल बी मीटर तो यहां पे हमें पता लगता है कि अगर वन अपाउंड टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट या फिर दूसरे लफ्जों में टू पॉइंट नाइन नाइन एक्सपोनेंट एट को अगर वन अपाउंड में रखते हो तो तुम्हारे पास वन मीटर मिल जाएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या है बेटा अगर टाइम की वैल्यू इतने सेकेंड रखते हो वन अपाउं टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट जिसको राउंड ऑफ थ्री कहते हैं अगर ये वैल्यू रखते हो एस इक्वल टू वी टी में तो तुम्हें वन मीटर मिलता है तो याद रखना ये इस तरीके से सॉल्व हुआ अक्सर कोचिंग में रट्टा लगा देते हैं ठीक है तो रट्टा नहीं लगाना समझना है आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑनली यूनिट ऑफ लेंथ फिफ्टी परसेंट बच्चों को यह भी आता होगा बोलता है इनमें से कौन सा है जो यूनिट ऑफ लेंथ बताता है ऑप्शन तो बहुत आसान दे दिया उसने और मुश्किल भी कर सकता था वो लेकिन खैर ये जो ए नॉट लिखा है इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा इसकी वैल्यू होती है टेन एक्सपोन टेन मीटर्स टेन एक्सपोन माइनस टेन मीटर्स तो याद रखना है, ये भी मीटर्स है तो इट मीन कि ये भी लेंथ है तो देखो इनमें से कौन सा है जो सारे लेंथ के यूनिट्स हैं देखो किलोग्राम आ गया मास तो ये ऑप्शन कैंसिल इधर आ जाओ तो इधर आ गया मास फिर अगेन ये भी कैंसिल इधर आ जाओ तो इधर क्या आता है किलोमीटर मीटर तो बेटा ये ऑप्शन सही है इधर आ गया ग्राम अगेन मास तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास ये और यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था आगे बढ़ते हैं और कैसे आ सकता है एमसीक्यू द यूनिट ऑफ फिजिकल एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज अब फिजिकल जो है वो पूरी दुनिया में जो माने जाते हैं वो हम सबको पता है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है वो क्या है ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ठीक है तो इंटरनेशनल सिस्टम के जो यूनिट्स हैं इनको हम ऐसा SI यूनिट्स बोलते हैं सो so ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में अब माने जाते हैं अच्छा द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ इज क्या है कैंडेला जिस बच्चे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती वो क्या करता है वो कुछ भी कैलाडेला कैलेंडेला कुछ भी लिख देता है तो बेटा कैंडेला है ठीक है ना कैंडेला याद रखना खैर इतना कोई uh, ऐसा बच्चा है नहीं मेरे सारे बच्चे बहुत होशियार हैं कर लेंगे आराम से आगे बढ़ते हैं नाउ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूनिट ऑफ लेंथ नहीं है एंगस्टॉम मैंने तुम्हें बताया यूनिट ऑफ लेंथ है माइक्रॉन माइक्रोन बेटा माइक्रोन कहते हैं माइक्रोमीटर को तो माइक्रोमीटर भी तो यूनिट ऑफ लेंथ है रेडियन रेडियन तो एंगल एंगल जैसा पड़ा है तो इट मीन कि यही वो ऑप्शन है जो नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है लाइट ईयर क्या होता है बेटा दो प्लेनेट्स के दरमियान में डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइट ईयर तो ये भी एक तरीके से डिस्टेंस या लेंथ है सो so, रेडियन इसका करेक्ट आंसर है कि रेडियन एक वाह ऐसा यूनिट है जो लेंथ का यूनिट नहीं है बल्कि किसका है प्लेन एंगल का यूनिट है ठीक है आगे बढ़ते हैं ये दोबारा आ गया खैर इसको छोड़ो नौ ड्राइव ड्राइव यूनिट्स क्या है बेस यूनिट्स पढ़ लिया अब ड्राइव यूनिट्स को पढ़ते हैं बेटा ड्राइव यूनिट हमें पता है क्या है इनफाइनाइट एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंने एग्जाम्पल में ले लिया वैसे तो इनफाइनाइट है खास खास ले लिया एरिया वॉल्यूम डेंसिटी विलोसिटी एक्सीरेशन फोर्स अगर तेज जा रहा हूं वीडियो को स्लो कर लेना और मुझे अपनी सजेशन जरूर देना कमेंट में कि सर आप इस कुछ इस तरीके से करें ठीक है अगर अच्छा लगे तो भाई जाहिर है अप्रिशिएट करो यार मेहनत लगती है सिंबल हो गया इसका सिंबल को हटाओ हमें नहीं पढ़ना यार रिलेशनशिप विद बेस क्वांटिटीज ना वो कहता है एरिया एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ भी बेटा एक तरीके से क्या है लेंथ है तो दोनों बेसिकली क्या हो गई लेंथ हो गई अब देखो लेंथ लेंथ कब होगा लेंथ का यूनिट लेंथ बेसिकली एक बेस क्वांटिटी है जबकि दूसरी लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है इसका यूनिट हो गया मीटर तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर अब देखो जब दो बेस क्वांटिटीज को दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो तो हमेशा के एक यूनिट बनता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट क्या बोलते हैं ड्राइव यूनिट और उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी तो देखो एरिया का यूनिट क्या बना मीटर स्क्वायर वॉल्यूम को देखो तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ यानी कि लेंथ ब्रेट हाइट तो ये क्या हो गया अपना मीटर क्यूब सिमिलरली डेंसिटी देख लो तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो ऊपर आ गया मास नीचे आ गया वही वॉल्यूम ये वाली चीज तो हो गया के जी मीटर माइनस थ्री मीटर माइनस थ्री का मतलब के जी मीटर क्यूब ये क्यूब जब ऊपर जाता है तो मैथ की प्रॉपर्टी है माइनस हो जाता है आगे बढ़ते हैं ये आता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रेट ऑफ ऑफ चेंज तो मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिमिलरली फोर्स होता है एफ इक्वल टू मा मा होती है ना मा तो एफ इक्वल टू मा एम ए मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये बेसिकली क्या है ड्राइव यूनिट है और याद करो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है मैंने तुम्हें बताया था न्यूटन क्या है ड्राइव यूनिट है जो कि बराबर होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आगे बढ़ते हैं नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये समझने के लिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम ऑफ यूनिट को समझो क्या कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं यूनिट्स के देखो इसको समझने के लिए तुम्हें मास लेंथ टाइम पता होना चाहिए एम एल्टी MLT को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके भी क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन के सो बेसिकली एम एल टी होता है हर चीज के पास मास लेंथ और टाइम इसको सम, इसको इसकी मदद से समझ सकते हैं तो अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं देखो अपने पास पहला आता है एस आई सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम और इसको कुछ लोग बोलते हैं एम के एस सिस्टम तो बेटा ये दोनों एक चीज तो है लेकिन ऐसा यूनिट में सेवन चीज यूनिट्स होते हैं जबकि इसके पास कितने होते हैं तीन यूनिट्स होते हैं तो इस बात को याद रखना ठीक है अच्छा एक ही एक जैसा रंग हो गया मजा नहीं आ रहा यार ऐसा करते हैं हम ग्रीन ले, ले लेते हैं चलो अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाता है सी जी क्या है देखो एम के एस से मुराद क्या है कि इसका जो मास होगा देखो अब यहां पे समझना एम के एस से मुराद देखो एस स्टैंड फॉर सेकेंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड के स्टैंड फॉर किलोग्राम इट मीनस के मास तो बेटा ये मास हो गया और ये हो गया टाइम अब जो बचता है बेटा क्या होना चाहिए बच गया लेंथ तो एम इज स्टैंड फॉर मीटर मीटर क्या होता है लेंथ तो ये एल बोलो या एम बोलो एक ही बात है ठीक है तो अब देखो अब जो हमने पढ़ा था नेक्स्ट क्या था वो है सीजीएस सीजीएस में क्या है देखो ये अपने पास लेंथ होगी विच इज सेंटीमीटर ये अपने पास क्या होगा ग्राम्स ठीक है ना तो ग्राम्स में क्या होगा मास होगा और ये हमारे पास सेकेंड विच इज टाइम तो ये भी हमने देख लिया तो हमारे पास कितना हो गया एसआई भी हमने कवर कर लिया जिसको हम एमके बोलते हैं और सीजीएस uh, भी हमने कवर कर लिया एक और आता है उसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम क्या बोलते हैं एफपीएस ये भी पढ़ रखा है बच्चे ने एफ से मुराद फुट फिट होता है ना भाई बारह फुट दस फुट ये फुट और पी जो है वो मास का यूनिट है पाउंड क्या है पाउंड और ये अगेन सेकेंड अच्छा एफ पी एस सिस्टम का एक ओल्ड ट्रेडिशनल यूनिट था सिस्टम uh, था जिसको हम क्या कहते थे इंपीरियल सिस्टम क्या कहते थे इंपीरियल तो बेटा ये भी पेपर में आता है इंपीरियल सिस्टम और ये अक्सर आता है इंपीरियल सिस्टम इंपीरियल सिस्टम क्या है बेसिकली मैं बताता हूं तुम्हें इंपीरियल सिस्टम को और दूसरे लफ्जों में आपने सुना होगा ब्रिटिश सिस्टम और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ठीक है ये सुना होगा आपने ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम तो देखो इसका मैं बताता हूं तुम्हें डिटेल में ना देखो हमने दो तो कवर कर लिया एस SI आई और सीजीएस में क्या सेंटीमीटर ग्राम और ये अब एफ पी एस पे आ जाते हैं ठीक है एफ पी एस पे देखो हो गया अपने पास फुट लो फुट बहुत अच्छा लिखा है सर आपने अच्छा फुट और पाउंड को हम बोलते हैं एल बी और ये हो गया अपने पास सेकेंड अब देखो जो इंपीरियल सिस्टम था ना जो ओल्ड सिस्टम था जिसको हम क्या बोलते थे ब्रिटिश इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी इसमें क्या था इसमें जो मास था ना हमारे पास उसको हम लेते थे स्लग यहां पे एल भी ले रहे ना उसको उस जमाने में क्या लेते थे स्लग लेते थे आज भी लेते हैं लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये इसी की एक ड्राइव फॉर्म है तो ये स्लग है ठीक है और फोर्स के यूनिट उन्होंने रखा है एल बी एफ यानी कि फुट पाउंड इसको क्या बोलते हैं हम फुट पाउंड या फिर बोलते हैं पाउंड फोर्स क्या बोलते हैं पाउंड फोर्स तो ये बेसिकली पाउंड फोर्स है और ये हमारे पास मास है स्लग और ये अपने पास सेकेंड तो ये बेसिकली तीन सिस्टम थे एस आई सीजीएस सीजीएस और हो गया एफ पी एस और अगला ब्रिटिश तो चलिए देखते हैं सवाल कैसा आता है इन सीजीएस सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज क्या है भाई सीजीएस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ क्या है देखो सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सेंटीमीटर तो इसका आंसर क्या हुआ सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम आर चूज्ड एज द यूनिट्स कौन से यूनिट्स कहलाते हैं ये ड्राइव एग्जांपल देख लो ड्राइव फंडामेंटल स्टैंडर्ड ऑल ऑफ दिस ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रहा है फोर्स लेंथ और टाइम क्या होते हैं देखो फोर्स लेंथ और टाइम फोर्स को बोलता है वो पाउंड फोर्स लेंथ को बोलता है वो फुट और टाइम को बोलता है सेकंड तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ये तमाम क्या है फंडामेंटल यूनिट याद कर लो इसको ये तमाम क्या है फंडामेंटल इसका आंसर था सेंटीमीटर याद करो मास नहीं है इसमें फोर्स लेंथ और टाइम फंडामेंटल यूनिट होते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग के आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ डैश इज ड्राइव यूनिट अब इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो ड्राइव यूनिट कहलाता है मास लेंथ फोर्स या टाइम देखो लेंथ फोर्स टाइम ये सब क्या है फंडामेंटल हमने पिछले वाले एमसीक्यू में पढ़ा था बचा मास तो मास वो मासव यूनिट है जो ड्राइव यूनिट है देखो किसी भी सिस्टम में मास फंडामेंटल यूनिट होता है चाहे एस SI आई बोलो एफ बोलो सीजीएस बोलो सब में मास क्या है फंडामेंटल है लेकिन ब्रिटिश में क्या है फंडामेंटल नहीं है ड्राइव है क्योंकि मास का यूनिट उसने क्या बताया है स्लग ड्राइव यूनिट ओके नाउ एक और आ जाता है यूनिट ऑफ एप्सलूट सेंटीग्रेड, कैलविन और अब वो कहता है यूनिट क्या है अक्सर स्टूडेंट सेंटीग्रेड लिखकर आते हैं तो बेटा ये गलत है इसका आंसर क्या है कैल्विन जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है एप्सुलूट टेम्परेचर का वो क्या है कैलविन ठीक है और याद रहे एक और एमसीक्यू इस तरीके से आता है कि कौन सा इनमें से कौन सा स्केल ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर है जो कि जिसमें डिग्री नहीं लगता तो देखो सेंटीग्रेड में भी डिग्री लगता है फेरानाइट में भी डिग्री लगता है रेंकाइन में भी डिग्री लगता है लेकिन कैलविन में डिग्री नहीं लगता सिर्फ कैलविन वो वाहिद स्केल है जिसमें आपके पास डिग्री नहीं लगता ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ आया सब so, छोटा सा एक रिकॉर्ड डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर और बच्चे को पता आता नहीं है ज्यादा देख लो बस आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर सिस्टम सिस्टमेटिक एरर सिस्टमेटिक एरर को हम दूसरे लफ्जों में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर आगे आ जाते हैं पर्सनल और ह्यूमन एरर और फिर रेंडम एरर जल्दी जल्दी से बता देता है सिस्टमैटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है द इम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा कोई प्रॉब्लम हो उसमें मान लो तुम्हारे पास क्या है ये वर्णिया कह ले पार है इसमें स्केल क्या होगा तुम्हें पता है

गलत काम करते हैं सीधे अच्छे काम करते हैं ठीक है तो नेगेटिव जीरो एरर होगा ओके चलो भाई याद कर लिया बच्चे ने आगे आते हैं पर्सनल एरर पर्सनल और ह्यूमन एरर कैसे होता है एरर कॉज बाय द इम प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पर्सनल एरर अब आपसे गलती हो गई इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा नहीं यार आप बोलते हो कि यार इंस्ट्रूमेंट ही खराब है आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया मसलन देखो पर्सनल एरर में इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं है ये भी एरर हो सकता है कि भाई टाइम्स हम स्केल से कोई चीज नाप रहे होते हैं और उसका गलत एंगल से देख रहे होते हैं उसको फ्रंट से नहीं देख रहे होते हैं। उसके साथ नाइनटी नहीं बना रहे होते हैं। और हम उसको गलत एंगल से देखते हैं जिससे हमें रीडिंग गलत मिलती है देखो यहाँ पे रीडिंग ये मिल रही है हालांकि ओरिजिनल रीडिंग ये है अपने पास ठीक है तो ये पर्सनल एरर है तुमने ही नहीं देखा यार तुम्हारी गलती है और ये तो अक्सर होता था हमारे साथ बचपन में हमें बोलता था लेब अटेंडेंट हमें बोलते थे कि देखो यार वो जरा बताओ कितना मिलीलीटर भर गया है? बुरेट या फिर पिपेट तो हम उसको ऐसे देखते थे ऊपर नीचे करके हमने कभी भी ऐसे सामने से नहीं देखा वो बोलता था लोअर मैनिस्क देखो हम अपर मैनिस्क देखते थे तो ये कुछ गलतियां होती थी ये हमारी पर्सनल एरर है ठीक है आगे रेंडम एरर क्या होता है भाई द एरर दैट अराइज इज ड्यू टू द सम अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अब देखो रेंडम एरर कैसा कैसा हो सकता है डेफिनेशन को छोड़ दो कौन बच्चा याद करेगा देखो मान लो भाई तुम्हारे पास ये तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना पेंडोलम वाला वो क्या करा तुमने पेंडोलम का छोड़ा अब तुमने स्टॉप वॉच थोड़ी देर से क्लिक कर दी तो ये थोड़ा पर्सनल एरर हुआ लेकिन इसमें रेंडम एरर उस वक्त होगा कि जब देखो तुमने जब इसको स्विंग किया ना तो जब तुमने इसको स्विंग किया तो इसमें ऑसिलेशन हुई अब तुमने जब नेक्स्ट बॉब लगाया तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशंस ऑलरेडी थी इस स्ट्रिंग में जिसकी वजह से आपको सही रीडिंग नहीं मिलेगी तो ये बेसिकली आपके पास क्या है रेंडम है ठीक है तो इसको आज वीडियो लंबी नहीं करते आई होप आप लोगों को समझ में आया हो बस डेली बेसिस पे इसको देखो और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं आपको तमाम चीजें कवर करा दूंगा टेंशन नहीं लो लेकिन प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को याद रखना ठीक है ये बहुत आसान लेक्चर था आप, आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी सर ये तो बहुत चीते हो गए तो ये बेटा ये लेक्चर बहुत आसान था असल में ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप आप लोगों को समझ में आया और एंड में जो मैं अपनी एप्टीट्यूड फीस लेता हूँ वो है कि लाइक कर दो शेयर कर दो और ये तो मस्ट है और अपने तक नहीं रखो यार अपने दोस्तों को भी सेंड करो और जो नीडी है उनको भी सेंड कर दो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा ठीक है बाकी ये दो लेक्चर्स हैं देख लो मर्जी ओके गुड लक अल्लाह